पिछले एक वीडियो में हमने ये देखा कि FDM प्रिंट्स के लिए क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन लगते हैं। इस वीडियो में हम SLA के लिए डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। SLA स्टैंड्स फॉर स्टीरियोलिथोग्राफी, whereas FDM इज फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग। SLA में लिक्विड रेजिन को लेयर बाय लेयर UV लाइट से क्योर करके प्रिंट किया जाता है। SLA में प्रिंट करने के लिए अपने ही कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ FEP शीट, जिससे प्रिंटर को हर लेयर बाद FEP शीट से अनस्टक होना पड़ता है। सक्सेसफुल 3D प्रिंटिंग के लिए आपका डिज़ाइन परफेक्ट होना चाहिए, जिससे टॉलरेंस और सरफेस क्वालिटी अच्छी आ जाए। सो ऐसे क्या डिज़ाइनिंग कंसिडरेशंस है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? सो लेट्स बिगिन। पहला है वॉल थिकनेस। एक स्टेबल प्रिंट करने के लिए एटलीस्ट 1 mm थिकनेस की वॉल होगी तो अच्छा होता है, एंड इन केस ऑफ सपोर्टेड वॉल 0.5 mm की वॉल थिकनेस भी चल जाती है। SLA में प्रिंट FEP शीट से अनस्टक होता है तो थिन वॉल्स बेंड हो सकते हैं जब बिल्ड प्लेट लिफ्ट एंड रिट्रैक्ट होता है फॉर द नेक्स्ट लेयर। प्रिंट FEP शीट पर स्टिक ना हो, इसके लिए एक PTFE स्प्रे भी मार्केट में मिलता है, जो एक ड्राई लुब्रिकेंट फिल्म की तरह काम करता है। ये फिल्म प्रिंट को FEP शीट पे स्टिक होने से बचाता है। जो इनिशियल लेयर होता है जब प्रिंट बेड पर स्टिक होता है, उस टाइम पर ये काम आता है, और एल्स आप एंड में देखोगे कि बेड पर प्रिंट है ही नहीं और नीचे FEP शीट पर एक थिन लेयर स्टिक हुई पड़ी है। ये स्प्रे यूज़ करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बट अगर आपके प्रिंट्स FEP शीट पर ही चिपके हुए हैं तो ये आपको यूज़ आ सकते हैं। सेकेंड है सपोर्ट्स एंड ओवरहैंग्स। इन केस ऑफ SLA मोस्टली हर जगह सपोर्ट दिए जाते हैं, क्योंकि whenever we print a model हम ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे रख के स्लाइस करते हैं, जिससे FEP शीट से अनस्टक होते हुए ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट ना हो ड्यू टू लो कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया। फॉर स्मॉल पार्ट्स 45 degree एंगल्स से कम वाले प्रिंट्स को आप विदाउट सपोर्ट दे सकते हो, बट फॉर बिगर पार्ट्स हर जगह सपोर्ट देना इज रिकमेंडेड, क्योंकि प्रिंट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वाइल बेड रिट्रैक्शन। सो SLA में आपको ट्रूली इंडिपेंडेंस मिलता है टू डिज़ाइन द मॉडल एज यू लाइक, स्पेशली फॉर स्कल्पटिंग एंड एक्शन फिगर्स। मूविंग ऑन टू डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन नंबर 3, जो है मिनिमम होल डायमीटर। SLA या 3D प्रिंटिंग में यूजुअली मिनिमम 0.5 mm तक का होल सक्सेसफुली प्रिंट कर सकते हैं। अगर होल उससे छोटा होगा तो प्रिंट में इशू आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि होल प्रिंट ही ना हो। होल का प्लेसमेंट कहाँ है और प्रिंट ओरिएंटेशन का भी इफेक्ट होता है। अगर आप फ्लैट प्रिंट कर रहे हो और होल बेस में हो, तो हो सकता है यूवी लाइट से ओवर क्यूरिंग की वजह से होल प्रिंट ही ना हो। अगर एक्सपोजर टाइम परफेक्ट ना हो तो यूवी लाइट प्रिंट के थ्रू सीप होके अनवांटेड एरिया को क्योर कर सकती है, जिससे एलिफेंट फुट बन सकता है। चीटू बॉक्स, जो SLA प्रिंटर के लिए एक स्लाइसर है, उसके सेटिंग्स में बॉटम टॉलरेंस कंपनसेशन का ऑप्शन होता है। सो इस ऑप्शन से बेसिकली आप होल एंड एजेस का टॉलरेंस सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से आपके प्रिंटर का टॉलरेंस सेट करना पड़ेगा। इससे आपकी एलिफेंट फुट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बॉटम लेयर भी परफेक्ट आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि SLA में जनरल लेयर हाइट 0.05 mm होती है, जबकि FDM में 0.2 mm होती है। फिर जाते हैं डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन नंबर 4 की तरफ, जो है क्लियरेंस बिटवीन मूविंग पार्ट्स। अगर आप कोई मूविंग पार्ट्स प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पिस्टन एंड सिलेंडर, तो पिस्टन एंड आउटर सिलेंडर के बीच में 0.3 mm का क्लियरेंस होना चाहिए फॉर अ प्रॉपर मूवमेंट बिटवीन द पार्ट्स। फिर है क्लियरेंस बिटवीन फिटिंग पार्ट्स। अगर आपको दो पार्ट्स सेपरेटली प्रिंट करने हो और फिर असेंबली करना हो, तो यूजुअली हम 0.1 mm का क्लियरेंस देते हैं, जो मोस्ट केसेस में वर्क करता है। सो ये थे कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशन। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके बाद कुछ टिप्स देखते हैं फॉर SLA प्रिंट्स। डिज़ाइनिंग सॉलिड बट प्रिंटिंग हॉलो। अगर आपका एक सॉलिड डिज़ाइन है तो आपको पता होगा कि SLA में इनफिल परसेंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें इनफिल प्रिंट करेंगे तो रेजिन बॉडी के अंदर ही भर जाएगा और फिर हम उसे निकाल नहीं पाएंगे। सॉलिड प्रिंट्स की वजह से रेजिन काफ़ी यूज़ होता है, और जैसे कि आपको पता है कि SLA का रेजिन एक्सपेंसिव होता है,
तो इस केस में हॉलो प्रिंटिंग का एक ऑप्शन होता है। इस सेटिंग से आप प्रिंट को हॉलो कर सकते हो और उसकी वॉल थिकनेस डिफाइन कर सकते हो। बट आप सोचोगे कि इससे भी अंदर रेजिन फंस जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मॉडल के टॉप और बॉटम में दो होल देते हैं। पहला होल होता है रेजिन निकालने के लिए और सेकेंड होल अंदर सक्शन क्रिएट ना हो उसके लिए होता है। होल का प्लेसमेंट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होता है कि FEP शीट और मॉडल के बीच में एयर गैप क्रिएट ना हो और सक्शन से प्रिंट FEP शीट पर ही स्टिक ना हो जाए। फिर देखते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर डेंसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर SLA। आपको प्रिंट का सपोर्ट डेंसिटी ऑप्टिमल रखना होता है जिससे कम सपोर्ट स्ट्रक्चर की वजह से प्रिंट भी फेल ना हो और ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की वजह से प्रिंट की सरफेस क्वालिटी भी ख़राब ना हो जाए। सपोर्ट डेंसिटी की वैल्यू आपको मॉडल को जज करके डिसाइड करनी होती है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सपोर्ट डेंसिटी और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कम सपोर्ट डेंसिटी। हम यूजुअली 40-80% के बीच में सपोर्ट डेंसिटी रखते हैं एंड इन सम केसेस हम बस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ही कस्टम सपोर्ट्स दे देते हैं। फिर देखते हैं प्रिंट ओरिएंटेशन। SLA में मोस्टली किसी भी प्रिंट ओरिएंटेशन में प्रिंट पॉसिबल होती है विद सपोर्ट्स, बट कुछ ओरिएंटेशन बेटर क्वालिटी देते हैं। अगर आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए तो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स उसे फ्लैट ही प्रिंट करें ताकि एक सिंगल लेयर में वो लेयर प्रिंट हो जाए जो परफेक्टली फ्लैट हो। बट इसका एक कंसिडरेशन होता है कि एरिया कितना बड़ा है। अगर उसका एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा तो FEP शीट पे वो स्टिक हो सकता है क्योंकि FEP शीट से अनस्टक होते हुए काफ़ी स्ट्रेस जनरेट होता है और इसकी वजह से प्रिंट भी फेल हो सकती है। इसलिए जनरली एक एंगल पे प्रिंट देते हैं, बट फॉर स्मॉल सरफेस एरिया हम फ्लैट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये रूल हर टाइप ऑफ प्रिंट्स के लिए अप्लाई होता है। जस्ट मेक श्योर कि सरफेस एरिया मिनिमम हो फॉर हाई सक्सेस रेट्स। सो ये थे कुछ टिप्स फॉर प्रिंटिंग विथ SLA। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स एंड टिप्स हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।